हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेंस स्टाइल। अप कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बनारसी सिल्क साड़ी को ड्रॉप करने का तरीका। सो अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी साड़ी पहनना नहीं आता है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साड़ी ड्रॉप करना दिखाऊंगी, जिससे आप अपनी प्लीट्स को परफेक्टली बना पाएंगी एंड आपका जो लुक है ना, वो भी स्लिम के साथ साथ टॉल नज़र आएगा। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज हमने वेयर किया है। पेटीकोट का नाड़ा मैंने सामने की तरफ बांधा है एंड यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी साड़ी को खोलेंगे। सो देखिए, ये वाला पोर्शन हमारी साड़ी का पल्लू है। अब जो पल्लू वाला पोर्शन होता है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए आपको साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पर जाना होता है, क्योंकि कभी भी हम साड़ी को उसके नॉन पल्लू साइड से ड्रॉप करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन हमारा साड़ी का आखिरी सिरा है, तो यहीं से हम साड़ी को ड्रॉप करना शुरू करेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करते हुए टकिंग करना है। तो पहले मैं राइट में टक करती हूँ, फिर लेफ्ट में एंड इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है, इसको अच्छे से पेटीकोट के अंदर इंसर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद साड़ी को इस तरीके से लेते हुए वन राउंड लेना है एंड यहाँ राइट साइड में साड़ी को थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए सामने की तरफ टकिंग करेंगे। इसके बाद बैक के पार्ट को हमें अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेना है। सो हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग कम्प्लीट हो गई है। अब हम साड़ी को इस तरीके से लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए, ये हमारी साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, तो बाकी साड़ी को सामने ही छोड़ना है। केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ पर देखिए, पल्लू का जो दूसरा कॉर्नर है, इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। अब आप राइट या फिर लेफ्ट कहीं से भी प्लेट उठा सकती हैं। सो यहाँ पर देखिए, मैं लेफ्ट से उठाऊंगी तो राइट साइड का जो पल्लू का कॉर्नर है, कमर में टकिंग किया है। ऐसा करने से प्लीट्स बनाने में आसानी होती है। अब देखिए, हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए हम प्लीट उठाएंगे। आप देखिए, स्मॉल फिंगर और थंब से मैंने हाफ इंच के करीब छोड़ते हुए फैब्रिक पकड़ा है और जो सामने की टू फिंगर है, उसमें कैरची की तरह करते हुए पहली प्लीट को मैंने बनाई है। अब देखिए, जो मेरी पहली प्लीट है, केवल वही चौड़ी है हाफ इंच के करीब। उसके अकॉर्डिंग बाकी की प्लीट्स को हम थोड़ी सी पतली बनाते हैं। अब आप जब प्लीट बनाते हुए आएंगी, तो जो आखिरी प्लीट होती है, उसका डायरेक्शन राइट की तरफ होना चाहिए, बट ये लेफ्ट की तरफ हो गई है। तो देखिए, मैं एक प्लीट को खोलकर यहाँ पर दो पतली पतली प्लीट बना ली हूँ, जिससे हमारा प्लीट का डायरेक्शन मैनेज हो गया है। सो इस तरह से हम प्लीट्स के डायरेक्शन को चौड़ी पतली करके मैनेज कर लेते हैं। अब ऊपर से एक एक प्लीट को पकड़ लेना है, ताकि एक भी प्लीट्स हमारी अंदर से छूटे ना एंड इसके बाद हम प्लीट को सिक्योर करेंगे। सो यहाँ पर आप सिक्योर कर सकती हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकती हैं, बट आप बिगनर हैं तो सिक्योर कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्लीट छूट भी जाए तो दोबारा ना बनानी पड़े। अब देखिए, प्लीट सेट करने के लिए इस तरह से थोड़ा सा शेक करेंगे एंड थोड़ी सी दूरी पे साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको रेडी करना है। जितनी दूर आपको प्लीट्स नज़र आ रही है, केवल उतनी ही दूर आपको अरेंज कर लेना है। फिर टमी के सामने रखते हुए रब करना है, ताकि प्लीट अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए, लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू के फैब्रिक को, अब यहाँ पर हम प्लीट को सिक्योर करेंगे ब्लाउज के साथ चिमटी की हेल्प से। आपके पास चिमटी ना हो तो आप क्लचर का भी यूज़ कर सकती हैं। ऐसा करने से शोल्डर पे हमारी जो पल्लू है सिक्योर रहती है और हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करके आगे की प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर पाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको अरेंज करना है। एक बार में शोल्डर की प्लीट्स बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्या होता है कि हमारी कभी कभी एक आध प्लीट अंदर की तरफ छूट जाती है। अब देखिए, इतना पार्ट हमारा फिर से रेडी हो गया। हैंड से थोड़ा सा प्रेस करेंगे एंड चिमटी को निकालेंगे। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे पल्लू को खसकाते हुए यहाँ पर अगेन ब्राउज के साथ हम प्लीट्स को सिक्योर करेंगे। अब इस तरह से आपको सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है, जितना लॉन्ग की आपको पल्लू चाहिए। सो ऐसे ही मुझे जितना लॉन्ग चाहिए, मैं उतनी प्लीट्स को अरेंज करूँगी। अगर आप बिगनर है ना, आपको ये ट्रिक कठिन लगता है, तो इससे भी आसान आसान तरीके आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, इतना पार्ट अगेन रेडी किया हमने। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ। तो कभी भी आपको पल्लू की जो लेंथ है ना, वो घुटने से नीचे रखनी है। लॉन्ग पल्लू लेने से हमारा लुक टॉल नज़र आता है। अब चिमटी की हेल्प से यहाँ पर मैं फिर से ब्राउज के साथ सिक्योर कर ली हूँ एंड इसके बाद हम सेफ्टी पिन लेंगे। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है, उससे एक या दो इंच बैक में जाकर आपको सेफ्टी पिन लगानी है ब्लाउज के अंदर से। सो इस तरह से अगर आप सेफ्टी पिन लगाएंगे, पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा।
अब देखिए सामने की तरफ थोड़ी सी दूरी पे आपको जो पल्लू की प्लीट्स आ रही है ना, इन्हें इस तरह से अरेंज कर लेना है ताकि आपको एक अच्छा सा डायरेक्शन मिले और अच्छे से आपका पल्लू जो है आपके बस्ट एरिया पर सेट हो जाए। अब जो चिमटी लगाई है उसे निकालेंगे और पल्लू को बस्ट एरिया पर इस तरह से सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे। एंड यहाँ पर देखिए हिप वाले पोर्शन पर सेट करते हुए आपको राइट वाले पैर तक लेकर आना है, टाइटली से खींचना है राइट की तरफ। एंड देखिए राइट की तरफ थोड़ी सी दूर पे फैब्रिक को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगी तो पतली पतली प्लेटें बन जाती है। मैं 3 या 4 इससे ज़्यादा प्लेट्स नहीं बनाती हूँ। अब थंब को पेटीकोट के अंदर इंसर्ट करते हुए इन प्लीट को पकड़ लेंगे। बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है, सेफ्टी पिन में मैंने प्लास्टिक अटैच किया ताकि साड़ी इसमें फंस के ना फट जाए। एंड इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए हम जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएंगे जैसे कि स्टिचिंग करते हों। ऐसा करने से हमारी साड़ी फटने की बिल्कुल भी चांस नहीं होती है। अब जो हिप पे प्लीट आई है इन्हें थोड़ा सा ठीक कर लेना है। एंड इसके बाद से देखिए हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच जाती हैं ना, इनकी हमें प्लीट्स बनानी होती है। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से भी प्लीट उठा सकती हैं, जो प्रोसेस होता है ना वो सेम ही होता है। सो देखिए मैं यहाँ पर राइट से उठा रही हूँ तो 90 से 4 अंगुल आगे जाना है, थंब एंड स्मॉल फिंगर से फैब्रिक को पकड़ना है, जो सामने की 2 फिंगर उसको कैंची की तरह करते उसमें पहली प्लीट को आपको इस तरह से फैब्रिक को फंसाते उठाना है, फिर उसी को फॉलो करते हुए बाकी की प्लीट्स को भी आपको बनानी है। सो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट प्लीट उठानी है पहली वाली, फिर उसे ही फॉलो करते हुए चले जाना है। ऐसे ही हमारे पास जितनी साड़ियाँ बच गई हैं उनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। बट यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान देनी है कि जब आप प्लीट बनाती हुई आती हैं तो जो इसका भी आखिरी प्लीट होता है ना, उसका डायरेक्शन आपको लेफ्ट की तरफ रखना है, यानी कि आपकी जो प्लीट बन के ख़त्म होगी ना वो अंदर की तरफ ख़त्म होगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, देखिए अंदर की तरफ प्लीट आपकी ख़त्म होगी। देखिए जब हम ख़त्म करते हैं तो वो अंदर की तरफ ख़त्म होती है और थोड़ा सा फैब्रिक आपको बचा देना है। ये नहीं कि सभी फैब्रिक की आपको प्लीट्स बना देनी है, ऐसा नहीं करना है। इतना एक प्लीट का जो फैब्रिक होता है उसे छोड़ना है। एंड इसके बाद जितनी प्लेटें बन गई है ना, इनको आपको थोड़ा सा यहाँ पर झटक देना है ताकि जो रिंकल वगैरह वो दूर हो जाए। अब देखिए हमारी प्लीट बन चुकी है तो हम ऊपर से अरेंज करेंगे। सो यहाँ पर बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 0.5 सेंटीमीटर का गैप में रखते हुए हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं। इस तरह से अरेंज करने से हमारी सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है, इसलिए आपको इसे अरेंज करना ज़रूरी तो नहीं है, बट अगर कर दो तो अच्छा होता है। अब देखिए सभी प्लीट को पकड़ेंगे, केवल पहली प्लीट को खोलेंगे, राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम पहली प्लीट को चौड़ी करेंगे। तो कभी भी आपकी जो पहली प्लीट होती है बाकी की प्लीट से चौड़ी होनी चाहिए। अब हम सभी प्लीट को यहाँ पर पकड़ के अच्छे से झटक देंगे। एंड यहाँ पर देखिए ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, टकिंग में इधर उधर ना हो जाए इसके लिए थोड़ी सी दूरी पर मैं साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को अरेंज करूँगी। एंड यहाँ पर इन प्लीट को पकड़ते हुए सिक्योर कर लूँगी। सिक्योर करने के लिए मैं इस तरह की साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी साड़ी सेफ्टी पिन की वजह से ख़राब ना हो। तो आपके पास ना हो तो आप सेफ्टी पिन भी लगा सकती हैं। अब नेवल के सामने रखते हुए मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अंदर हमने फैब्रिक छोड़ा है ना, इसके कारण हम अपनी प्लीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अंदर टकिंग कर पाते हैं, इसलिए आपको अंदर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। अब देखिए जहाँ पे हमें टकिंग करना है फाइनली वहीं पर मैं एक एक प्लीट को अरेंज करते हुए पकड़ ली हूँ। एंड नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को पेटीकोट में टकिंग करना है। टकिंग करने से पहले आपने देखा मैं चौड़ी वाली प्लीट को ऊपर की तरफ खींची हूँ ताकि वो नीचे से लटक के अनइवन सी फॉल साइड से प्लीट्स नजर ना आए। अब देखिए सभी प्लीट टक हो जाने के बाद राइट साइड की तरफ थोड़ा बहुत फैब्रिक ओपन रह जाता है, तो इसे टक करने से पहले सामने की प्लीट को सामने की तरफ अच्छे से दबा लें एंड इसके बाद राइट में टक करें ताकि नीचे से फैब्रिक ऊपर की तरफ ना उठे। अब ये पल्लू से हाइड हो जाएगा। पल्लू की जो प्लीटें आ रही हैं आपको इन्हें अच्छे से ठीक कर लेना है। सो इस तरह से हमारी जो प्लीट है वो परफेक्टली सेट हो जाती है। कमर की प्लीट्स को हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका फैब्रिक अच्छा था तो वो खुद ब खुद सेट हो गया है। एंड यहाँ पर हमारा जो फाइनल लुक है ना वो आप देख सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मेरा रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। एंड अगर आप ये साड़ी बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट जरूर कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।